राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी ऐसे नेता को घेर पाएंगे जो ईमानदारी का प्रामाणिक दीपक है, जिसको पूरी दुनिया विश्वास करती है, जिसको आज देश में दिल्ली में दलालों के दरवाजे बंद हैं तो राहुल गांधी परेशान हैं। लेकिन अशोक जी, आज़ाद भारत में आज तक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, और राहुल गांधी ऐसे बेशर्म गैर जिम्मेवार व्यक्ति से आप कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। मैं आज तक के दर्शकों के लिए 3 सवाल फेंकता हूं। पहला, अगर जनवरी 2012 में हमारी सरकार के आने के पहले दसौन को L1 सबसे कम का ठेका मानने के बाद स्वीकार किया गया, तो 5-6 महीने बाद उसको री एग्जामिन के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि राहुल गांधी के परिवार को कमीशन नहीं मिला था, और बिना कमीशन के ये परिवार कोई काम नहीं करता, चाहे बोफोर्स हो, चाहे 2G हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपके ऑगस्टा वेस्टलैंड हो या सबमरीन हो, ये सभी जानते हैं। तो मेरा खाली कहना यह है कि उसके बाद जो और बातें सामने आई हैं, जो पार्टी की ओर से कहा गया, ये भंडारी महाशय कौन है, दामाद श्री से उनका रिश्ता क्या है, ये सारी बातें हम देश के सामने लाएंगे। इसलिए लाएंगे कि ऑफसेट के लिए भंडारी महाशय भी क्लेमेंट थे UPA सरकार में, नहीं मिला। राहुल गांधी, आपके परिवार में और आपकी पार्टी में रग रग भ्रष्टाचार है, और देश के सामने हम जाएंगे, आपको एक्सपोज करेंगे। लेकिन मुझे पीड़ा एक बात की बहुत है कि राहुल गांधी अब पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, पाकिस्तान की हर पार्टी के नेता उनकी स्तुतिगान कर रहे हैं। राहुल गांधी, आगे बढ़ो, पाकिस्तान आपके साथ है, इससे बड़ी कोई गैर जिम्मेदारना हरकत हो नहीं सकती। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी, आप घूम घूम के बेशर्मी की बात करिए, लेकिन इस देश में कहावत है कि जब आप चांद या सूरज के ऊपर थूकने की कोशिश करते हैं, वो आपके ऊपर ही गिरता है। आखिरी सवाल, उनका ये कहना है प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पे जवाब दे रहे, क्यों नहीं बोल रहे, चुप्पी क्यों साधे हुए इस पूरे मुद्दे पे? उनकी बेशर्मी का जवाब प्रधानमंत्री देंगे? हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बेशर्म राहुल गांधी के लिए हम लोग काफी हैं, प्रधानमंत्री जरूरत नहीं है।